Friends, live update. Good afternoon, Kolkata. 91.9 Friends FM. मेरा नाम है अनिमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा हूँ ओबेरॉय ग्रैंड से. और हमारी बातें होने वाली है जिनके साथ, वो मेरी बहुत ही खास फ्रेंड है और स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी प्रेजेंटर भी हैं. जी, बातें हो रही है इस वक्त आहना कुमरा की, जो इस वक्त कोलकाता शहर में और किसी रेडियो चैनल के साथ उनकी बातें हो रही है, तो वो हो रही है सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स एफएम पे. आहना, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में. थैंक यू सो मच अनिमेश, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी बैक इन कलकत्ता. मुझे पता है कि आपको कोलकाता बहुत पसंद है. थोड़ी देर पहले पेट पूजा भी हो चुकी है. मैं ऑन एयर बता दूं इनको, फैंस को, कि थोड़ी देर पहले ये ओबेरॉय में इन्होंने चेक इन किया है और सीधा रेस्टोरेंट में गई है. क्या क्या खाई है वे खुद ही बताएंगी. मैंने सबसे पहले तो बेटकी मंगाई क्योंकि मुझे बेटकी इतनी पसंद है. और आई थिंक मैं फ्लाइट से डिसाइड करके आई थी कि मुझे सबसे पहले आके माछेर झोल खाना है. फिर उन लोगों ने मुझे बैगन भाजा दे दिया एंड फिर मुझे दाल मिली, चावल मिला एंड आई वाज सो हैप्पी. आई वाज लाइक बस मुझे यही चाहिए था. दैट्स ऑल आई वांटेड एज़ सून एज़ आई लैंडेड. कोलकाता में आ गई हैं तो यहाँ इस वक्त स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी कोलकाता लेग की भी बातें हो रही है, सीजन 4 की बात हो रही है. क्या कहना चाहेंगी, ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक कितना मजा आ रहा है? आप भी जुड़ चुकी हैं, आप भी प्रेजेंटर हैं, आपने बहुत नजदीक से देखा है प्लेयर्स को, टीम्स को, कुछ कहना चाहेंगी? मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इट्स सो एक्साइटिंग टू बी ऑन द मैट एट ऑल पॉइंट्स. की एक तो हम लोगों के लिए भी, मतलब देयर सो मच हैपनिंग, आपको इतना अलर्ट, इतना सतर्क रहना पड़ता है कि आपका एक मिली सेकेंड का भी अगर आपका यहाँ से वहाँ फोकस गया तो दैट्स, इट्स रियली आउट ऑफ योर हैंड. तो मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया था. ऑफकोर्स मैंने स्टेज किया है जहाँ पर एक लाइव ऑडियंस होती है, बट इट्स सो रिहर्स्ड. यहाँ पर रिहर्सल का टाइम नहीं होता है. यहाँ पर आपको हार्डली एक या दो रिहर्सल्स मिलेंगी. रोज नई स्क्रिप्ट होती है, रोज हमें अपनी नई स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है. प्लेयर्स को दे हैव टू बी ऑन द बॉल ऑफ द गेम, लाइक दे हैव टू जस्ट बी देयर, यू नो. अगर उनका भी मतलब यहाँ से वहाँ फोकस गया, दैट्स इट, द गेम इज आउट ऑफ द हैंड. तो आई थिंक मैंने कभी इतना फास्ट पेस्ड गेम नहीं देखा है. मैंने कभी स्पोर्ट्स से मेरा दूर दूर तक का कोई नाता नहीं था क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट से आती हूँ. तो जब ये मुझे दिया गया, मैंने कहा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा ये स्पोर्ट्स का काम, मुझसे नहीं होगा. बट जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने कबड्डी के मैचेस देखने शुरू किए, दैट्स व्हेन आई गॉट एंगेज्ड इनटू दिस. और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा एक्साइटिंग गेम मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा है. कल के मैच क्या होने वाले? कल बंगाल वॉरियर्स की टीम जो है भिड़ने वाली है, कुछ कहना चाहेंगे क्या होने वाला, क्या लग रहा है? बंगाल वॉरियर्स अभी कहीं पे कुछ कमी रह जा रही है हमारी टीम बंगाल वॉरियर्स. हाँ, अभी मतलब पेपर पे सबसे मुझे डिफेंस में ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग टीम लगी थी. और हम लोग जब भी रिहर्सल्स करते थे, हम लोग सोचते थे कि यार बंगाल एक ऐसी टीम है जो यू नो इस साल मतलब चैंपियनशिप के लिए 100% दिल गो फॉर इट. बिकॉज क्या मतलब, इनके पास निलेश शिंदे है, गिरीश शरनाथ है, इनके पास विशाल माने आ गए हैं, इतनी अच्छी मिराज है इनके पास. लेकिन ली की इंजरी आपको लगती है कुछ प्रॉब्लम हो गई स्टार्टिंग में, इंजरी हुई थी उनको, उसके कारण भी कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंजरी की वजह से, यू नो, कि एक प्लेयर की इंजरी की वजह से पूरी टीम दब जाती है. मुझे लगता है कि इतनी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. हर प्लेयर को अपना एक इंडिविजुअल गेम खेलना चाहिए. एंड ऑफकोर्स मुझे लगता है डिपेंडेंसी मिराज पे बहुत ज्यादा है, निलेश पे कुछ ज्यादा प्रेशर है, विशाल आ गया है लेकिन उसके बावजूद मतलब डिफेंस नहीं चल पा रहा है. तो यू नो, एक ही रेडर से बात नहीं बनने वाली है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो कि इतना प्रेशर एक बंदे पर ना हो एंड टीम को मतलब ओवरऑल तरीके से खेलना चाहिए. सो आई थिंक बंगाल के पास चांस है. चार मैचेस हैं उनके पास होम लेग पर. If they can pull up their socks and play well, I'm sure ki, you know, at least league table par aage to badhenge. Ana, main aapse janana chahunga, jab pro kabaddi ki baat hui to aapki prediction kya hogi? Top 4 mein kaun rehne wala hai? Aapki prediction. Diplomatic answer nahi chahiye. Kya lag raha hai? Kyunki aap bahut kareeb se dekh rahi hain, aap judi hui hain, kuch kehna chahenge? Kya ho sakta hai? Is baar Pune mujhe lag raha hai bahut strong team hai. Matlab Pune to keher macha raha hai. Aur Pune ke saath ek aur jo team ne, I mean, jo inaugural champions the, जयपुर पिंक पैंथर्स, दे आर प्लेइंग फैबुलसली. डिफेंडिंग चैंपियंस पटना पायरेट्स आर प्लेइंग अगेन रियली वेल. चौथे नंबर पर अभी तक डैंगलिंग वैंगलिंग चल रहा है. अभी यू मुंबई आ गई है, बट मुझे यू मुंबई से बहुत उम्मीदें हैं. एंड मुंबई यूज टू बी माई फेवरेट टीम. जब मैंने पिछले 3 सीजन के मैचेस देखे, आई यूज टू बी इन ऑल ऑफ मुंबई. आई टू बी लाइक यार क्या टीम है, कितने अच्छे प्लेयर्स हैं. लेकिन एक नई यू मुंबई है, सारी टीमें नई हैं. तो यू नो, लेकिन यू मुंबई ने भी अपना कोर मेंटेन किया है. जयपुर पिंक पैंथर्स ने अपना कोर मेंटेन किया है. पुणे से मंजीत ने अपने सारे खिलाड़ियों को, जो उसके फेवरेट खिलाड़ी थे, उनको लेकर पुणे में बांधा है. तो ये चार टीम्स तो हैं ही, बट उनके साथ साथ पटना पायरेट्स डिफेंडिंग चैंपियंस हैं. उनके पास प्रदीप है, उनके पास इतने अच्छे, इतने बेहतरीन प्लेयर्स हैं. तो मुझे लगता है कि ये चार टीम्स मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगती हैं. क्या बात है. वैसे अब आपके बारे में मैं बात करना चाहूंगा.
हर तरह के, आप मेरी हमेशा से फेवरेट रहे हो। कुछ कहना चाहेंगे? आपको हमने प्लेज में देखे हैं, आपको हमने और हर रूप में देखा है, अब आपको एज ए प्रेजेंटर हम देख रहे हैं। कितना टफ हो रहा है और आने वाले कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ बताते जाइए प्लीज। मैं प्लानिंग नहीं करती, वो चीज़ मैंने हमेशा वो चीज़ मैंने अपने दिमाग में हमेशा रखी एनिमेश, और मेरा थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे कभी काम ढूंढना नहीं पड़ा, वो मैं आपसे पहले भी कहा है। तो यू नो थिएटर भी जो हुआ यू नो अपने आप हुआ है मेरा यू नो लाइफ में। उसके बाद जब मुझे युद्ध मिला बच्चन साहब के साथ, इट वॉजन लाइक दैट आई वेंट लुकिंग फॉर वर्क, यू नो इट केम टू मी बिकॉज आई बम्प्ड इनटू अनुराग। और उसके बाद टेलीविजन का काम, मुझे जब भी सामने से काम आया है तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं टचवुड इतनी मैं लकी हूँ कि मुझे इतना डिफरेंट टाइप का काम मिलता है। मुझे कभी मैंने लाइफ में उम्मीद भी नहीं की थी, मुझे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी स्पोर्ट्स की लैंग्वेज, स्पोर्ट्स की भाषा बोलने वाली हूँ, कि मैं प्लेयर्स के नाम, प्लेयर्स की स्किल सेट, मुझे क्रिकेट से मुझे कुछ लेना देना नहीं था, मुझे किसी भी स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं था। ऑफकोर्स मैं खेलती थी स्कूल में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कभी खड़े होकर उसके बारे में बात कर पाऊंगी, मुझे इतना डर लगता था। लेकिन इट्स एक्साइटिंग दैट यू नो दैट दिस हैपेंड, आई टुक दिस अप एंड एट नो पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज लाइक कि यार ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई थिंक वो कबड्डी का एक 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 एक्साइटमेंट अपने आप ही आ जाता है। तो आई बीन लकी कि मुझे इतना वेरीड काम मिला है, और मैं सिर्फ यही प्रे करती हूँ कि मुझे और इतना वेरीड काम आगे भी फ्यूचर में मिले, और मैं कभी ना तो कहती नहीं काम को। क्या बात है, वैसे कोलकाता की हम बातें करें, कोलकाता की क्या क्या चीजें हैं जिसे देखकर आप कहोगे चीयर्स कोलकाता? कोलकाता सबसे पहले तो मैं वही आज मैं कह रही थी कि मैं आज जैसे आ रही थी मैं ट्रैफिक जाम में फंस गई, कोलकाता का ट्रैफिक जाम तो लाजवाब है। चीयर्स कोलकाता। बिल्कुल चीयर्स कोलकाता। लेकिन कोलकाता का सबसे पहले तो मैं सबसे एक्साइटेड थी कि यू नो कि मैं सबसे पहले आकर खाना खाऊं यहाँ पर, मुझे फिश खानी थी, मैंने वेट की खा ली। तो मुझे काफी डर लगता है फिश खाने में, आपको पता है क्यों? क्यों? क्यों फिश खाने के बाद और मैंने पानी पी ली और फिश अगर जिंदा हो गए तब क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे पेट में, बैड जोक। ओके सॉरी, बट या आई मीन यहाँ का मार्केट, मुझे यहाँ की फिश खानी थी, मुझे यहाँ का मिष्टी दोई खानी है, फिर आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू एक्चुअली बारिश भी हो रही है तो आई थिंक कलकत्ता इज लुकिंग वेरी रोमांटिक राइट नाउ। और मैं अनुराग बासु की फिल्म का गाना सुनते आ रही थी गाड़ी में, फिर ले आया दिल, तो मैं ट्रैम देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक आज मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है तो आई थिंक मैं विक्टोरिया मेमोरियल जाऊंगी, और मुझे बहुत पसंद है कलकत्ता, तो आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू डू व्हाटएवर आई लव डूइंग इन कलकत्ता। मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि कलकत्ता एक वो होता ना कि एक एरा में स्टक इन टाइम है, तो मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे शहर आ गई हूँ जहाँ पर थिंग्स हैव नॉट मूव्ड टू फॉरवर्ड, यू नो, तो वो बॉम्बे की तरह फास्ट नहीं है, इट्स स्लो, यू नो, एंड आई लव दैट अबाउट कलकत्ता। आना मुझे ये बताइए, अगर अगर आप एंटरटेनमेंट की दुनिया में नहीं रहती तो आज आना कहाँ होती? मुझे लगता है मैं सिर्फ खाना खा रही हूँ। आई वुड हैव बीन अ फूड टेस्टर फॉर श्योर, क्योंकि मुझे खाने से बहुत ज्यादा लगाव है। अगर मैं आई सीरियसली थिंक कि अगर मैं एंटरटेनर नहीं होती किसी भी लेवल पर, तो मैं हर जगह, हर शहर, हर गाँव, हर जिले वहां जाकर खाना खा रही होती। आई वुड हैव प्रॉब्ली हैड माय ओन रेस्टोरेंट, और यू नो आई मीन मुझे मुझे आप चाहे मुझे किधर भी लेकर जाइए, मुझे इंडियन खाना सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे मेरी दाल चावल रोटी सब्जी, मैं दो दिन इधर उधर का खा लूंगी, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे घर के, मुझे बहुत याद आती है कि मुझे घर का खाना खाना है, घर का खाना खाना है। जाते जाते जो लोग आपको सुन रहे हैं, आपके फैंस आपको सुन रहे कोलकाता में, उन सभी से कुछ कहते हैं, कल कोलकाता लेक जो है वो शुरू होने वाला है। भाई मेरी तो सारी विशेज हैं बंगाल वॉरियर्स के लिए, आई एम रियली वाउचिंग फॉर द टीम, आई रियली लाइक द टीम, मुझे इनके प्लेयर्स बहुत पसंद हैं, मुझे पूरी टीम बहुत पसंद है, सो आई एम रियली होपिंग दैट बंगाल वॉरियर्स अप्स द गेम, यू नो, एंड दे कम बैक एंड वी सी अ ब्रांड न्यू बंगाल वॉरियर्स ऑन द मैट टुमारो। थैंक यू सो मच आना हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। हम चाहेंगे कि ऐसे ही चैलेंजिंग इवेंट्स, ऐसे ही चैलेंजिंग एक्टिविटीज, ऐसे ही चैलेंजिंग रोल्स आप करते रहे आने वाले दिनों में, और भी ज्यादा आपके साथ बातें हो। सरला के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, वो मेरी एक ऐसे प्ले है जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, मैंने बहुत एंजॉय किया था। मैं चाहूंगा कोलकाता में एक बार फिर से उस प्ले को आप लेकर आए, कोलकाता में लेकर आए, मकरंद सर लेकर आए, और भी हम एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच एनिमेशन, ग्लैड टू बी बैक इन कलकत्ता। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम मी, बैक टू स्टूडियो।